कोरोना वायरस के एक्टिव केस देश भर में इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अप्रैल को कहा कि देश भर में अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है। मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में XBB.1.16 देश में घूम रहे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ने अस्पताल में भर्ती होने की बढ़ोतरी नहीं की है। अधिकारी ने कहा कि वर्तमान उछाल को देश में XBB.1.16 वेरिएंट के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने स्ट्रेन को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने वेरिएंट के स्ट्रेन को अलग कर लिया है और रिसर्च की जा रही है। NIV पुणे के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रज्ञा यादव ने मनी कंट्रोल से पुष्टि की है कि XBB.1.16 वेरिएंट के आकलन करने के लिए संस्था की तरफ से अलग अलग स्टडी की जा रही है। यादव ने कहा कि हमें किनारा मिल गया है। पैथोजेनिसिटी और गंभीरता को समझने के लिए स्टडी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में आज 6% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया है। देश ने पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों की पहचान में बढ़ोतरी देखी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।